الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا। आज के दरस में सूरह मरियम और सूरह तौहा के अहम चंद मबाहिस और मजामीन को पेश किया जाएगा। 16वां पारा सूरह कहफ के आखिरी हिस्से पर और सूरह मरियम मुकम्मल और सूरह तौहा मुकम्मल पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले इन दो सूरतों का जो इजमाली खाका है वो समात फरमा लें। सूरह कहफ का खुलासा गुज़श्ता दरस में गुज़र चुका है। तो सूरह मरियम में जो अहम मजामीन हैं उनका इशारिया कुछ इस तरह है। ज़करिया अलैहिस्सलाम का अपने रब से चुपके चुपके औलाद के लिए दुआ करना और यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़करा, सय्यदा मरियम अलैहिस्सलाम के अहवाल का तज़करा, सय्यदीना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने वालिद को दावत तौहीद देना और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब सिद्दीक़ सच्ची नामवरी का अता होना, मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का तज़करा और इसके अलावा दिगर चंद अंबिया अलैहिस्सलाम का इंतहाई जामियत के साथ तज़किरा खैर, फिर इन अंबिया के बाद नाखल्फ वुरासाए अंबिया या वुरासाए सालिहीन के नाखल्फ लोगों की करतूतों का तज़किरा, तोबा करने वाले जन्नत में जाएंगे और इसके बरक्स सरकशी बगावत आमाले बद का रास्ता इख्तियार करने वाले फिस्क व फुजूर में मुनहमिक जहन्नम में जाएंगे। हलाकशुदा कौमें तुम से ज़्यादा साजो सामान के मालिक थे। जो भी इन आयात का मुखातब है, ख्वाह वो अहले मक्का कुरैश हों या बाद के दौर के मुतकब्बिरीन हों, झूठे माबूदा ने बातिला न दुनिया में काम आते हैं और ना ही आखरत में काम आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए शिरक और बिलखुसूस अल्लाह के लिए औलाद साबित करना इस कदर संगीन जुर्म है कि मुमकिन है कि इस कौले असीम के बायस और इस बड़े बोहतान इफ्तरा के बायस आसमान फट पड़े, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं, रेजा रेजा हो जाएं। सूरह तौहा के चंद मजामीन कुछ इस तरह हैं। क़ुरान करीम की हक़ानियत व सदाकत और बतौर नसीहत मौइज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चंद सिफात का तज़करा, कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम की पहली हाज़िरी और नबुव्वत की इब्तिदा, शराय सदर के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से अदा की हुई दुआ, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डालना और आले फिराउन के घर उनका परवरिश पाना,
फिराउन को दावत देने का हुक्म और कुछ उसूल दावत का तज़करा, दाई को किन उसूलों जवाबत को सामने रखना चाहिए उसका भी जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारफ पेश किया है। मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबला और फिर फिराउन की धमकियें और फिराउन की शिकस्त और फिर उसका तकब्बुर, उसकी ज़िद, अनानियत का तज़करा। फिराउन के वज़ीरों ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना सियासी हरीफ करार देकर मुकाबला बाजी का इजहार या मुकाबला बाजी पे उतरना, फिराउन का ईमान लाने वाले जादूगरों के हाथ पांव काटना, इसराइल बनी इसराइल की हिजरत और फिराउन का घर के आब होना, बनी इसराइल का गाओ परस्ती और उसकी सज़ा यानी बिछड़े की इबादत की जो सामरी का वाक़या है, फिर कुछ क़यामत के अहवाल का तस्करा है, इलम में इजाफे की दुआ है, आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में दुखूल और खुरूज, आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस लाइन दोनों से गलती हुई लेकिन दोनों की गलतियों में क्या फ़र्क था उसका भी यहाँ अहले इलम ने फ़र्क बयान किया है कुरानी आयात की रोशनी में। ज़िक्र इलाही से मोह मोड़ने वाले की दुनियावी और उखरवी सज़ा और सबर इकामत सलात का हुक्म रब्बानी और इसी तरह दुनियावी मालो मता की जेब व जीनत और उसकी नापायदारी का ज़िक्र। अब आए चंद चीदा चुनीदा मकामात को समझने की कोशिश करें। सूरह मरियम मक्की है, 6 रुकू और 98 आयात पर मुश्तमिल है, जबकि सूरह ताहा भी मक्किया है, 135 आयात, 8 रुकू हैं और ये दोनों मक्की सूरतें हैं। सूरह मरियम का ज़माना नज़ूल हिजरत हबशा से पहले का है, ये वही सूरह मुबारका है कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने हबशा के बादशाह के दरबार में इसकी तिलावत की तो उसके आँखों से आंसुओं की लड़ी चल पड़ी और दूसरे जो उनके अहबार और रुहबान थे वो भी आपदीदा हो गए। कुरान करीम की तासीर थी और कहा कि इस कुरान करीम में और ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम में एक हदीस के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये कुरान करीम की सूरह मुबारका चंद एजाजी वाक़ियात की हामिल है। ज़करिया अलैहिस्सलाम 80-90 या इससे कमोबेश उम्र में हैं, बढ़ई हैं, नज्जार हैं और अपनी कौम के मजहबी पेशवा हैं और ये हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से हैं और औलाद से महरूम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के मुख्तलिफ रंग हैं। मरियम अलैहिस्सलाम जो इनकी ज़ौजा मोहतरमा की भांजी हैं, हज़रत मरियम इनकी ज़ेरे कफालत हैं, तो मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में बेमौसम फल देकर एक अंगेख्त तहरीक पैदा हुई कि अल्लाह मरियम को बेमौसमी फल अता करने वाले मुझे बेमौसमी में औलाद अता कर दे। अल्लाह किसे बड़ी आजजी इनकिसारी से दुआ की चुपके चुपके कि लोग कहीं ये ना कहें बुढ़ा इस उम्र में भी औलाद का मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद है। तो और दुआ इसलिए कि अल्लाह मेरी मसनद दावत और इरशाद का वारिस हो, मेरे मौत के बाद मेरी मौत के बाद वो मेरा जानशीन हो, ये
मकसद हुसूल औलाद था, अल्लाह ने खुशखबरी दी और खुशखबरी के साथ ही हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का नाम भी तजवीज़ कर दिया। ये हज़रत यहया की अज़मत फ़ज़ीलत के नाम भी आसमान पे रखा गया और नाम भी ऐसा कि दुनिया में उससे पहले उसकी कोई नज़ीर नहीं है। ज़करिया अलैहिस्सलाम का 4 सूरतों में 18 मकामात पर तज़करा है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को शर्फ़े कबूलियत से नवाजते हुए बेटे की खुशखबरी दी। तो जब बेटे की खुशखबरी मिली तो इजहार ताज्जुब किया, अन्ना यकूनु ली गुलाम, अल्लाहु अकबर, वकानती मराती आकिरं वकद बलगतु मिनल किबर इतिया। शाह अब्दुल कादर रहमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में बड़ा प्यारा जुमला कहा कि अनोखी चीज मांगने पर ताज्जुब नहीं हुआ, जब सुना कि मिलेगी तो ताज्जुब का इजहार किया। तो इंसानी फितरत जबिल्लत है कि वो खिलाफे तवक्को, खिलाफे मामूल पर खुशी, हैरत, इस्तेजाब का इजहार करता है। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतालबे पर उनको निशानी भी बता दी कि 3 दिन खामोश रहोगे। और यहया अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। यहया अलैहिस्सलाम नौजवानों के लिए एक मीनारा नूर हैं, बेहतरीन कुदवा हैं। तो उनकी जो चंद आयात में जो उनकी सिफात बयान हुई हैं, या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा वातीनाहुल हुक्म सबिया वहनाना मिन लदुन्ना वज़कातन वकाना तकिया वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन आसिया। ये आयात हमारी तवज्जो का तकाजा करती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन आयात का तर्जमा पढ़ें हर्फ ब हर्फ, एक एक हर्फ में, जुमले में नसीहत है कि यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बसीरत, नबूवत, हिकमत, दानाई से सरफराज किया, शफ़क़त और पकीज़गी, तहारत, इफ़त, इस्मत अता की, वालदैन के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करने वाले थे। इस आयत में और इसी तरह जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे है कि वजअलनी मुबारकन अय्यिमा कुंतु अवसानी बिस्सलाति वज़्ज़कति मा दुमतु हय्या वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। इन दोनों आयात की तफसीर में मुफस्सिरीन ने बड़ी एक हकीमाना बात कही है कि वो नौजवान जो अपने वालदैन के लिए, बिलखसूस वालदा के लिए रहम दिल है और उनका खिदमत गुजार है, उनके साथ हुसन सलूक करता है, तो वो फितरती तौर पर एक कामयाब इंसान है। उसके दिल में एहसास है, दर्द है, उसके दिल में खौफ खुदा है। और वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअथ हय्या। इंसान 3 मौके पर वहशत, मुशक्क़त का सामना करता है। जब वो बतने मादर से कारखाना हस्ती को रौनक से नवाजता है और जब वो मरने के करीब होता है, तीसरा जब वो जिंदा होकर उठता है आलम महशर। तो ये इन 3 मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सलामती, रहमतें भेजी हैं, इनका बहुत बड़ा एजाज़ है। और सूरह आल इमरान में फरमाया कि वसय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिन सालिहीन। वो सरदार है, पारसा है, नेक है, इफ़त इस्मत वाला और नेक नबी। उसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कायनात इंसानियत की बेहतरीन ख़वातीन में से उनका तज़किरा होता है। बहुत ही अल्लाह वाली थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक बहुत बड़े मौज़े के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की तख्लीक़ की 4 सूरतें बयान की हैं, वालदैन के ज़रिए जो मामूल है, और एक है बिन बाप बिन माँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और एक है बिन माँ यानी बिना माँ के बग़ैर, जैसे हज़रत हव्वा की तख्लीक है,
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے بن باپ کے. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اسباب عادیہ کا محتاج نہیں ہے. تو سورہ مریم اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہاں قصہ بیان ہوا ہے، در حقیقت غلو جفا افراط و تفرید کے درمیان ایک راہ اعتدال ہے، اور اس واقعہ سے اسلام کی وسعت ظرفی، برداشت اور اسلام کا جو آفاقی درس ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کا دفاع جس طرح اسلام نے کیا ہے، دنیا کا کوئی اور مذہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا. یہودیوں نے آپ پر بہتان لگایا اور عیسائیوں نے غلو کیا، ابن اللہ کہا، ثالث ثلاثہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، معبود کہا. تو یہ افراط و تفرید کی ایک شکل ہے. تو اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح یہاں واقعہ پیش کر کے فرمایا کہ یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. تو مریم علیہ السلام کے بطن سے جبریل علیہ السلام کے روح پھونکنے سے، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کا تذکرہ ہے. اور پھر آخر میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، آیت نمبر 36. یہ گویا کہ اس قصے کا خلاصہ ہے. اس آیت میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے، الوہیت، عبادت اور صراط مستقیم کا تذکرہ ہے، اور یہی تمام نبیوں کی دعوت کا مرکز و محور رہا ہے. تو اس موقع پر میں ان اہل کتاب سے بڑے درد دل کے ساتھ اپیل کروں گا کہ خدا را اسلام کے منہج کو سمجھیں. اسلام دین وسط ہے، دین معتدل ہے. اس نے تمام نبیوں کے تقدس، احترام، عزت کو تحفظ دیا ہے. کیا تمہارے اندر بھی اتنی وسعت کی توقع کی جا سکتی ہے کہ تم بھی اس نبی رحمت للعالمین کا نام مبارک احترام سے لیں جس نے تمہارے نبیوں کی تصدیق کی ہے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کی ہے، تمہاری مقدس شخصیات کو تحفظ عطا کیا ہے؟ خدا را وہ لوگ جو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیلس ہیں، حسد بغض کرتے کا اظہار کرتے ہیں آئے روز وقتاً فوقتاً، کیا ان کی نصاب تعلیم میں، ان کی کتابوں میں، ان کی دانش اور بصیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی عزت احترام سے لیا گیا ہے؟ اور الٹا تانا مسلمانوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ جذباتی ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ مسلمان کا اسلام، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک گزشتہ نبیوں کو تسلیم نہ کرے، ان پر ایمان نہ لائے. تو یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اس پہ غور کیجئے. اسی صورت میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. صدیق کہا گیا ہے، صدیق مقام نبوت و رسالت کے بعد کا درجہ ہے، صدیقیت. اور امت اسلام کے سب سے بڑے صدیق حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو صدیق کا معنی کہ جس کا ظاہر باطن یکساں ہو، منافقت مداہنت سے پاک ہو. اور پھر چند حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ادریس اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس کا. اور آخر میں فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی. اس سے یہ استنباط ہوتا ہے، جو شخص نماز کی محافظت نہیں کرتا اور صحیح طور پر اسے ادا نہیں کرتا، وہ اپنے خواہشات نفس کا شکار ہو جاتا ہے. بے نمازی سے فسق و فجور کے دوسرے دروازے کھلتے ہیں. سورہ مریم کے آخر میں
महबूब खलाइक बनने का एक फार्मूला है। कौन नहीं चाहता कि दुनिया मुझसे मोहब्बत करे, मैं दुनिया में एक अच्छा इंसान तसव्वुर किया जाऊं। तो उसका क्राइटेरिया ये है, इन्नल्लज़ीन आमनू वामिलुस्सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। ईमान और अमले सालेह इख्तियार करो, सारी कायनात तुमसे मोहब्बत करेगी। सूरह ताहा 135 आयात 8 रुकू हैं, और मशहूर रिवायात के मुताबिक ये वो सूरह करीमा है कि जिसे सुनकर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। ये बाज़ मुहद्दिसीन ने इन रिवायात की इस्तिनादी हैसियत पे कलाम किया है, अलबत्ता मशहूर ये वाक़या तारीख़ में मिलता है। तो इसकी अपनी एक तस्वीर है। इसके इस शुरू मकाम पे कुरान करीम का तारफ़ करवाया गया है, और जिसके सीना अतहर पर नाजिल हुआ उसकी बाज़ हालात को बयान किया, और अल्लाह ने अपना भी तारफ़ किया। उनमें सरे फहरिस्त और रहमान वाल अर्श इस्तवा। 35-28 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दुआ जिक्र की, रब्बी शराहली सदरी वयसरली अमरी वहदुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 44 में बहुत ही उम्दा एक उसूल दावत बयान किया गया, फ़कूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहू यतज़क्करु अव यख़्शा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ, फ़िरऔन सरकश हो चुका है, तो नरम बात कहो, शायद वो नसीहत हासिल करे या डर जाए। तो ये किसके बारे कहा जा रहा है? जो फ़िरऔन आना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला। तो इससे ये हमें दरस मिलता है कि अहले इस्लाम, अहले ईमान के लिए दाई मुबल्लिग इस्लाम के कंधे झुके होने चाहिए, उसकी ज़ुबान में मिठास हो, दर्द तड़प छिलकता हो, और ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करे कि दावत दूसरों के लिए ज़हमत बन जाए, दावत दूसरों के लिए फितना और फसाद का ज़रिया बन जाए। तो ज़ुबान को कंट्रोल में रखते हुए दावत इल्लाह के मिशन को जारी और सारी रखना ज़रूरी है। तो नरम मिजाजी, नरम खुई का दरस मिलता है। उसके बाद मुख्तलिफ वाक़ियात हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आए। आयत नंबर 115 में किस्सा आदम इबलीस है, और यहाँ इन दोनों की गलती का ज़िक्र है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस लाइन की गलती के पस मंज़र में ये फ़र्क है कि आदम अलैहिस्सलाम की गलती निस्यान और भूलपन में पर मबनी है, जबकि इबलीस की गलती बगावत, सरकशी, तकब्बुर पर मबनी है। तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, और हज़रत इंसान का असल मकाम जन्नत ही है। तो लेकिन अब जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह ने तरीका बतलाया है कि मेरे रास्ते पे चलोगे, मेरी बातों को मानोगे, तो तुम अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हो, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल करदा शरीयत पर अमल करना। वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहू यौमल क़ियामति अअमा। जो फिर अल्लाह ने फरमाया, याद रखो जो मेरे ज़िक्र से राज करेगा, अल्लाह की शरीयत से, कुरान से, अल्लाह के दीन से, अकीदा तौहीद से, तो उसके लिए मईशत तंग हो जाएगी। दुनिया में भी वो इंसान कल्लाश रहेगा और मोहताज रहेगा, आखरत में भी उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। आयात नंबर 130-131 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए चंद बड़े अहम अवामर अता किए, और आपकी उम्मत भी इस खिताब का ताबे है। फ़स्बिर अला मा यकूलून, ये जो लोग आपको तरह तरह के ताने दे रहे हैं, तान व तशनी के निश्तर चला रहे हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं कि जिससे आपका दिल पारा पारा हो जाता है, इस पे सब्र कीजिए और अपने रब की हमद के साथ तस्बीह कीजिए। इस आयत में अहले इलम ने पांचों नमाज के अवकात की निशानदही की है, नमाज फजर की, असर की, इशा
مغرب اور عشاء کی اور ظہر کی، اور فرمایا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاۃ الدنیا، یہ جو لوگ اپنے مال و دولت پہ ناز کر رہے ہیں ان سے آپ متاثر ہرگز نہ ہوں، یہ ایک فتنہ ہے. اصل کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، محبت الہی، عقیدہ توحید. وَأَمُرْ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آپ کے رب کا جو رزق ہے وہی بہترین ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جم جائیں. یہاں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور بالخصوص ہر والدین، ہر استاد، ہر مربی اور ینگ جنریشن کی کاؤنسلنگ کرنے والے ماہرین تعلیم و تربیت، ان کے لیے بھی اس میں ایک درس ہے، عبرت، بصیرت ہے کہ نماز کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں، رجحانات میں شامل کیجئے، اور نماز ہی سے اسلامی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، انقلاب کیسے آئے، دنیا کہاں پہنچ گئی، مسلمان وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. کیا ہم مسلمانوں نے اپنا تجزیہ کیا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں یا کام کے مسلمان ہیں؟ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ نبی کی مانتے ہیں. تو نماز رکن اسلام ہے اور تمام شریعتوں کا حصہ رہا ہے. نماز کے بغیر اسلام کا تصور این خیال استو، محال استو، جنون کے مترادف ہے. تو آج سے اپنے رب سے وعدہ کیجئے رمضان کی بابرکت ساعات میں کہ ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. نماز دین ہے، اخلاق ہے، اور اس میں بہت سے دینی، دنیاوی، اخلاقی، سماجی فوائد و ثمرات ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے، وقت اجل آئے، تو ہم پانچ وقت کے نمازی ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور ہمیں نماز کی فکر نہ ہو، ہم تارک نماز ہوں. نماز وہ عبادت ہے، قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.